राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। सर, ये गिरोह ताजिन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को पकड़ा गया है, क्या आपको जानकारी है गिरोह के बारे में? देखिए, थाना ताजगंज की टीम ने और हमारी सर्विलांस टीम ने एक अच्छे लुटेरे और रात्रि में घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन 5 अभियुक्तों के पास से घटना में जो प्रयोग की जा रही थी 2 मोटरसाइकिलें, वो बरामद की हैं, अवैध असलहे बरामद की हैं और विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई लूट की मोबाइलें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो ये चोरियां घरों में की हैं उनके सामग्री भी इनके निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। ये 5 अभियुक्त जो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, एक सिकंदरा का है, एक मंसूरपुरा का है और 3 ताजगंज के रहने वाले हैं। 5 अभियुक्त अभी थाना ताजगंज के एक गांव में रहते थे जहां से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया कर रहे थे। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने अपने जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि वो गांव में रहकर रात्रि के समय और शाम के समय मोटरसाइकिल से निकलकर घटनाओं को अंजाम देता था और इसमें से एक अभियुक्त प्रमोद है जो पूर्व में उन्नाव में 5 किलो सोने की लूट में भी शामिल रहा है, वो हिस्ट्री शीटर है सिकंदरा थाने का। साथ ही साथ अन्य अभियुक्त जो है वो टॉप 10 अपराधी थाना ताजगंज के रहे हैं। इन सभी अभियुक्तों पे पर्याप्त आपराधिक इतिहास होने के कारण हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए इनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उन सभी संपत्तियों को जब्त करने का भी कार्य किया जाएगा। पूछताछ में इन सभी लोगों ने अपने इस गांव में होना और उसके बाद जगह जगह की घटनाओं को कबूल किया है, जिससे तकरीबन 16 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें कुछ घटनाएं थाना ताजगंज की, कुछ घटनाएं सदर बाजार की और अन्य थानों की हैं जो चोरी और लूट से संबंधित हैं। जो चोरी के माल इन लोगों ने जिसको दिए हैं, जैसे सोने के जेवरात, ज्वेलरी, मोबाइल फोन्स या अन्य सामान, उनके लिए हमारी टीमें जो हैं अभिसूचना संकलन कर उनके पीछे दबिश दे रही हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। पूरे कार्य में SP सिटी के नेतृत्व में CEO सदर की टीम ने और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने बढ़िया काम किया है, उनको हमारी तरफ से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कितने मुकदमे सर इन लोगों पे दर्ज है? बताया जा रहा है कि 34-40 मुकदमे दर्ज होंगे। अभी तक की जो आपराधिक इतिहास संकलन हुआ है उसमें प्रमोद के ऊपर तकरीबन 34 मुकदमे हैं, दूसरा अभियुक्त आकाश उसके ऊपर 25 मुकदमे हैं, मांगेलाल के ऊपर 18 मुकदमे हैं, अमित जो मंसूरपुरा का है उसके ऊपर 46 मुकदमे हैं और भोला जो कि ताजगंज का है उस पर 16 मुकदमे हैं। इन सभी अपराधियों के हिस्ट्री शीट खोले जा रहे हैं, गैंग पंजीकृत कराया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी जो संपत्ति इसने अर्जित की है उसको भी जब्त करने का प्रयास। गिरोह का सर तरीका क्या रहता था वारदातों को अंजाम देने का? जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके से कार्य करते थे, शाम के समय मोटरसाइकिल लेकर जाना और चेन स्नैचिंग, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, इस प्रकार की घटनाओं को कारित किया है। रात्रि के समय भ्रमण करते हुए, घूमते हुए कॉलोनीज में घरों को निशाना बनाते थे और वहां चोरी करके सारे सामान को जो है माल उसके घर के सामान को चोरी कर लेते थे। ये 2 तरीक़ों से इन लोगों ने काम किया है। कभी कभी अन्य सदस्यों को जोड़कर बड़ी घटनाओं की भी प्लानिंग इन लोगों की थी, उससे पहले हमारी टीम ने इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इसमें जो शातिर अपराधी है जो पूर्व में भी बड़े मुकदमों में जेल गया है वो प्रमोद है, जिसने उन्नाव में बड़ी घटना की थी और वहाँ जेल भी गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और अभियुक्त हैं जो ताजगंज के ओरिजिनली रहने वाले हैं और जिनके साथ ये सभी मिलकर अब घटनाएं कर रहे हैं।